Hello friends, welcome to AKT Talk Show. Let's welcome our today's guest, Mr. Vishnu Vardhan. He's a famous professional tennis player. He has represented India in many levels. He has won medals in Asian Games as well. He has also participated in Wimbledon also. So, sir, please welcome to the show. Thank you so much. बहुत खुशी हो रही है यहाँ आपसे बात करने के लिए. Thank you, sir. It's my pleasure and it's an honor for me that you have accepted my invitation. Not at all. I'm happy to have this conversation. Thank you so much. Okay, thank you. Sir, पहला question ये रहेगा कि आपके थोड़े से जो ये टेनिस करियर है उनके बारे में मैं और मेरे दर्शक भी जानना चाहता हूँ. हाँ जी बिल्कुल. अब मैं 34 years का हूँ लेकिन मैंने टेनिस शुरू किया था जब मैं 7 वर्ष का था. तो ये टाइम था जब मैं स्कूल 2-3 बजे तक खत्म हो जाती थी और घर पे बैठे काफी बोर हो रहे थे और माय मॉम एंड डैड उन्होंने सोचा कि कोई एक स्पोर्ट ट्राई करें. तो उन्होंने क्रिकेट बास्केटबॉल बाकी स्पोर्ट्स भी ट्राई किया लेकिन मेरा एक बहुत ही करीबन दोस्त था जो टेनिस खेला था स्कूल के बाद तो उसके साथ मैं टेनिस शुरू किया. हालांकि उसने एक साल में रोक दिया टेनिस लेकिन मैं एक साल में स्टेट रैंकिंग के टूर्नामेंट्स जीतने शुरू किए अंडर 10 और अंडर 12 एज ग्रुप में. और उस टाइम मेरे जो कोच ने भी शुरुआत किया जिनके अंडर उनका नाम संदीप था तो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी अच्छा टैलेंट है लड़के में और इनको और प्रोफेशनल कोचिंग अगर मिल सकता है तो बेटर होएगा. तब मैंने स्विच किया था मिस्टर सीवी नागराज के अंडर जिनके एकेडमी का नाम है द स्कूल ऑफ पावर टेनिस जब मैं 8 वर्ष का था और अभी तक मैं उनके साथ हूँ. अभी भी बस सीधा ट्रेनिंग खत्म करके आए वापस और ये भी कॉल थोड़ा डिले हो गया था ज्वाइन करने में क्योंकि हम लोग काफ़ी अलग चीज़ें पे वर्क कर रहे हैं और मेरा उनके साथ काफ़ी लंबा संबंध रहा. और हाँ जी तो इट्स बीन अ कैरियर ऑफ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. I've been a national champion in the sub juniors and juniors and also men's में senior national champion रहा हूँ मैं 4 बारी. और I've had the honor to represent India at Davis Cup, win medals at the Asian Games and also participate at the London Olympics in both singles and doubles. बस वो Olympics जिस साल हुआ था उसी साल I suffered a very bad injury in my knee. तो 2 साल तक आई कुड नॉट कम बैक इन टू द स्पोर्ट. और उस टाइम ये भी थॉट्स है कि बस मेरा करियर अभी यू नो खत्म है क्या है करके. देन आई फाउंड अ रियली गुड फिटनेस ट्रेनर जिनका नाम मोहम्मद लतीफ है. तो 2015 से उनके साथ मैं 2014 एक्चुअली उनके साथ काम कर रहा हूँ और सिर्फ 2 महीने उनके साथ काम करते मेरा इंजरी ठीक हो गया. और मैं क्योंकि उस टाइम 2 साल से मैं खेला नहीं टूर्नामेंट मेरा रैंकिंग गड़ गया था लेकिन उनके साथ ट्रेन करके यू नो आई बिकेम फिट और मैं वापस आके नेशनल चैंपियन बना. और उसके बाद फिर से डबल्स में काफ़ी फोकस किया मैंने और 2 साल के अंदर 400 से रैंकिंग मैंने अपना टॉप 100 में किया और विंबलडन खेलने का मौका मिला. और सो दिस वाज इन द ईयर 2018 और फिर 2019 में बस रैंकिंग मेंटेन कर रहे थे हम बिटवीन 90-110 और फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया और ज़्यादा हम टूर्नामेंट्स नहीं खेल पाए. और पिछले 1.5 साल से आई बीन एट होम बट सडनली बीन वर्किंग ऑन माई गेम एंड अभी सिचुएशन थोड़ा बेटर है. ट्रैवलिंग भी थोड़ा ईजी हो रहा है. मैंडेटरी क्वारंटीन नहीं है अभी टेनिस प्लेयर्स के लिए जब हम टूर्नामेंट के लिए जाते हैं. तो अभी मेरा प्लान है कि 1 अक्टूबर में निकल रहा हूँ फ्रांस में 6 टूर्नामेंट खेलने के लिए. सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस कमिंग सर्किट. That's an amazing sir, journey और बहुत ही ज़्यादा inspirational है क्योंकि आप injury के बाद comeback करने के बाद इतने सारे tournament जीते हैं. सर आपने Asian Games में भी participate किया था उसमें आपने mixed doubles सानिया मिर्जा के साथ खेला था. तो ये mixed doubles में कैसे coordination के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? तो एक्चुअली मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहला पिक नहीं था एशियन गेम्स के टीम में खेल. तो उस टाइम लियांडर महेश सोमदेव ये और रोहन बोपन्ना ये 4 प्लेयर इनिशियली सेलेक्ट हुए थे लेकिन लियांडर और महेश के लिए दूसरे कमिटमेंट्स थे उस टाइम तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए. तो उस टाइम तो नेक्स्ट रैंक हाईएस्ट प्लेयर मैं था तो उसके वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ एशियन गेम्स में. और वहाँ पहुँचने के बाद टीम इवेंट बहुत अच्छा रहा हमारा और टीम इवेंट में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किए इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग बिग नेम्स लाइक यू नो लियांडर महेश एंड रोहन. वी वर अ यंग टीम एंड वी कुड स्टिल यू नो फिनिश विद अ मेडल.
और उसके बाद हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम यू नो मिक्स डबल्स का पेयरिंग करना था, एंड ऑब्वियसली सानिया मिर्जा इतनी सीनियर प्लेयर रह चुकी है, इतना एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, उन्होंने दो बारी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हुआ है उस टाइम, तो शी वॉज कंसिडरिंग विथ हर करंट ऑप्शन कि किसके साथ पार्टनर करे तब, एंड ऑब्वियसली आई नो सानिया वेरी वेल क्योंकि हम लोग सेम सिटी हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और हम लोग ने काफ़ी ट्रेनिंग भी साथ में किया हुआ है. तो उस टाइम सानिया ने शी टुक अ लीप ऑफ फेथ ऑन मी कि विष्णु का गेम काफ़ी बड़ा है. हाल ही में उसने टॉप लेवल पे खेला नहीं, लेकिन काफ़ी हार्डवर्किंग है, काफ़ी डिसिप्लिन है और फोकस्ड है, और उसका गेम आई बिलीव कि हम लोग मेडल जीत सकते हैं. तो उसने ये डिसीशन लिया था और टीम कैप्टन को बताया कि उन्हों वो विष्णु के साथ खेलेगी. एंड एक्चुअली हम लोग फर्स्ट राउंड में 2 मैच पॉइंट डाउन थे और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था क्योंकि इतना बड़ा स्टेज पे और सानिया जैसे एक पार्टनर के साथ खेलने के लिए मैं बहुत नर्वस था वो मैच. और हम लोग 2 मैच पॉइंट डाउन थे, लेकिन वी वेर यू नो वेरी रिजिलियंट एंड लकी टू विन दैट मैच. और उसके बाद मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा एंड देन वी मेड इट टू द फाइनल, और फाइनल में भी हम लोगों ने बहुत क्लोज सुपर टाई ब्रेक में हारे. तो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एट दी हाइस्ट लेवल और आई लर्न अ लॉट यू नो बींग एज अ पार्टनर टू सानिया एंड शी इज एन एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन. और अभी भी फॉर द लास्ट 1 year शी इज बीन कॉन्स्टेंटली इंस्पायरिंग. शी इज मेड हैदराबाद एज हर ट्रेनिंग बेस और स्पेशली आफ्टर you know the she is in the journey of motherhood right now and still balancing professional tennis. और मेरा भी एक 3 साल का बच्चा है घर पे, तो similar age group के बच्चे हैं मेरे और सानिया में, and I can see that how much she is working out and also balancing her family. So that's such an inspiration for me even now. So really inspiration है हम सब लोगों के लिए. एक चीज और पूछना चाहूँगा, आपने विंबलडन भी खेलने गए थे, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं और मेरा पार्टनर श्रीराम बालाजी हम काफ़ी करीबन दोस्त भी है पिछले 10 साल से, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में डबल्स खेलेंगे और डबल्स में ज़्यादा फोकस करेंगे हम. और विंबलडन के 1 साल पहले हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी हमारा रैंकिंग उस टाइम कुछ 130-140 था और हमें टॉप 100 में आना चाहिए था कि विंबलडन में हमें एंट्री मिले. तो 1 साल पहले ही हम लोगों ने प्लान किया है कि हम ये टारगेट करेंगे और अपना गोल सेट किया. और उस टाइम हम लोगों ने बालाचंद्रन कोच के साथ भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया उनके साथ 1 साल तक कि ये प्लान है हमारा. और हम लोगों ने ट्रेनिंग ऑफ सीजन का ट्रेनिंग किया था कोयम्बतूर में जहाँ बालाजी रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग किया था. और बहुत अच्छा ट्रेनिंग के बाद हम लोग सर्किट में आए और 6 टूर्नामेंट में हम लोग 2 टूर्नामेंट जीते और 3 टूर्नामेंट हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, तो काफ़ी हाई लेवल था और उससे हमारा रैंकिंग टॉप 100 में हुआ और हमें विंबलडन में क्वालिफाइंग खेलने का मौका मिला. लेकिन हम लोगों का इतना अच्छा प्रिपरेशन गया कि हम लोग क्वालिफाई करे और मेन ड्रॉ में 1 राउंड भी जीते. तो दैट वॉज अ वेरी मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्योंकि एज अ टेनिस प्लेयर सबका यही गोल होता है, यही मन होता है कि विंबलडन में पार्टिसिपेट करो. तो वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोग वो फुलफिल कर पाए, हम लोग क्वालिफाई किया और नॉट ओनली पार्टिसिपेट किया, हम लोग एक मैच भी जीते और सेकेंड राउंड हम लोग काफ़ी क्लोज 4 सेट्स में हारे वो मैच. और पूरे टूर्नामेंट में हमारा 5 मैच खेले हम वो टूर्नामेंट में और हमारा सर्विस एक ही बारी ब्रेक हुआ पूरे टूर्नामेंट में. तो ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा वहाँ पे परफॉर्मेंस का. तो सर लॉन टेनिस में कौन से एक्सरसाइजेस है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब किस टाइप के एक्सरसाइजेस आप डेली शेड्यूल में रखते हैं? तो बेसिकली टेनिस एक ऐसा गेम है जहां पे यू नीड टू हैव अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेंथ है तो काफी है, क्योंकि एंड्योरेंस पे भी है. हम लोग 3-3 घंटे तक मैच खेलते हैं, स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग काफी शॉर्ट्स के लिए हम लोग बेंड करते हैं ऐसे यू नो स्ट्रेच कर लेते हैं अपने आप को, तो फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़रूरी है. तो मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ जैसे जैसे मेरा दिन शुरू होता है जहाँ पे मैं स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ ताकि मेरे मसल सारे ओपन अप हो जाए. और उसके बाद हफ्ते में 2 या 3 दिन अपने स्ट्रेंथ पे मैं फोकस करता हूँ और 2 या 3 दिन मैं अपने स्पीड और एक्सप्लोसिवनेस पे फोकस करता हूँ. और बात रही एंड्योरेंस की, पहले मैं काफ़ी ट्रैक वर्कआउट्स करता था 400 मीटर्स 800 मीटर्स का स्प्रिंट्स ताकि मेरा एंड्योरेंस बढ़े. लेकिन इवन नाउ आई रिकॉग्नाइज दैट कि यू नो आई एम नॉट गेटिंग एनी मोर यंगर,
आई एम 34 इयर्स ओल्ड, तो आई मेक श्योर कि मेरा जो एंड्योरेंस का वर्क है वो टेनिस कोर्ट पे भी हो जाए. तो मैं काफी इंटेंसिटी बहुत हाई रख के मैं खेलता हूँ टेनिस, ताकि 2-2.5 घंटे में ही एकदम पूरी जो भी इंटेंसिटी है मेरा मैं दे देता हूँ, ताकि उसमें ही मेरा जो एनरोबिक एंड्योरेंस है वो बढ़ जाए. लेकिन अगर आप एक चीज बोलोगे कि अगर एक चीज पे फोकस करना चाहे, तो मैं बोलूंगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर नॉट ओनली टेनिस, आई फील इन एनी स्पोर्ट. क्योंकि अगर आपका स्ट्रेंथ ठीक है तो आप इंजर्ड नहीं होंगे, और अगर आप इंजरी नहीं है तो आप लंबा सीजन खेल सकते हो, है ना. और छोटे छोटे चीजें जैसे कि आप आपका प्लायोमेट्रिक्स हो गया टू इम्प्रूव योर पावर, या फिर आप योगा भी कर सकते हो जाके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, तो ये सब चीजें ऐड ऑन करके आपको एंड में परफॉर्मेंस में तो हेल्प करेगा ही. ग्रेट सर, ग्रेट. तो सर अभी आगे का क्या प्लानिंग है, आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपका? हाँ जी, पिछले एक साल से मतलब जब कोविड हुआ था घर पे बैठे थे, तो पहले 1-2 महीने तो बहुत रेस्टलेस थे. यही मन था कि निकले और टूर्नामेंट खेले, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं था. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी काफी कंफर्टेबल हो गए घर पे. यू नो, ट्रेनिंग पे जाओ, वापस आ जाओ, घर पे रहो, तो अभी यू नो टूर्नामेंट जाने का थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नया वो है, क्योंकि 2 साल से कहीं ट्रैवल किए नहीं हम. बट सर्टनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस नेक्स्ट सर्किट ऑफ टूर्नामेंट्स. तो पिछले 4-5 साल से तो काफी डबल्स पे फोकस कर रहा था मैं, लेकिन अभी क्योंकि मैंने ज्यादा टूर्नामेंट्स नहीं खेले, मैचेस नहीं खेले, और मैच का जो वो एक्सपीरियंस होता है थोड़ा 2 साल से नहीं रहा मेरा, तो अभी ये अगले 2 महीने के लिए तो मैं दोनों पे फोकस कर रहा हूँ, सिंगल्स एंड डबल्स. और फिर दिसंबर में मैं फिर ऑफ सीजन का ट्रेनिंग आएगा हमारा, तब मैं फिर रीअसेस करके इधर सिंगल्स या डबल्स चूज करके अगले साल से फिर उस चीज पे फोकस करूंगा मैं. सर आपने अभी मेंशन किया कि ये ऑक्सीजन ट्रेनिंग, ये क्या होता है सर? सॉरी, अभी आपने ऑक्सीजन ट्रेनिंग बोल के कुछ बोला आपने. हाँ जी, मैंने मेंशन ऑफ सीजन. हमारे दिसंबर में टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं, तो वी ट्राई टू हैव एटलीस्ट 3-4 वीक्स ऑफ जो हमारा ऑफ सीजन या प्री सीजन ट्रेनिंग होता है. तो हम लोग काफी मतलब पूरे साल का जो भी हमें स्ट्रेंथ बिल्ड करना है या फिटनेस बिल्ड करना है, तो ये हमारा एक पीरियड होता है, क्योंकि उसके बाद मुश्किल से आपको 2-3 हफ्ते का ही ब्रेक मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट टूर्नामेंट्स रहते हैं. तो मेरा वही प्लान है कि अभी अक्टूबर नवंबर के 2 महीने में 6 टूर्नामेंट खेलूं, और फिर दिसंबर में एक अच्छा यू नो असेसमेंट कर सकता हूं अपने गेम का और ट्रेनिंग करके फिर अगले साल शुरू करूं मैं. सर ज्यादा ज्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, आपका सर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा है, फोरहैंड या बैकहैंड? मेरा तो सबसे फेवरेट स्ट्रोक सर्व है, तो एंड आई एम एक्चुअली नोन ऑन द टेनिस सर्किट फॉर माय सर्व. तो एंड एक्चुअली आज भी हम लोग ने काफी 40-45 मिनट्स तक एक यू नो सेकेंड सर्व पे ही वर्क कर रहे थे आज. तो एक टारगेट प्रैक्टिस था, तो वो जो अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा था, और हम लोग एंड तक वही परस्यू करते गए. नॉर्मली हम मेरा सेशन 12 बजे तक खत्म हो जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट 12:20-12:25 तक हम कोर्ट पे ही थे आज. सो तो आई मीन इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग, इतने साल खेलने के बाद भी समथिंग टू लर्न एंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एवरी सिंगल डे. So I think that's the beauty of this sport. It's ऐसा लगता है कि खत्म ही नहीं होएगा ये चीज सीखने की जो है on the tennis court. Yes, learning की ना कोई सीमा है ना कोई एज है, keep on learning. तो नॉलेज हमें कहीं से भी मिले हमें नॉलेज ले लेना चाहिए. तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये पूछ के, लॉन टेनिस के बारे में जानना है वो सब कुछ मैंने, हम लोगों ने सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना, और आपके जो टूर्नामेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस है वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया. तो सर बहुत अच्छा लगा. तो दोस्तों ये कंटेंट मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा. तो आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स पर्सन मैं अपने चैनल में लेके आऊँगा. तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा. टिल देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू सर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thanks a lot, Amit. Appreciate it. Thank you. Bye.